सैटरडे का छुट्टी है, तो मैं थोड़ा काम सोचती हूँ करूँ, ये डिक्लटर करूँ और खाली करूँ। एक्चुअली मेरा प्लान है, ये एरिया थोड़ा सब अच्छा है और थोड़ा बंद है, तो मैं सोचूँ कि इस एरिया में मैं निकू का प्ले एरिया बनाऊँ। तो उसके लिए मुझे बहुत सफाई करनी पड़ेगी और बहुत सारा काम करना है, तो वो मैं कर रही हूँ। और गोगो थोड़ी देर के लिए सोया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा कर लूँ, पूरे दिन में देखूँगी मैं कितना कितना कर पाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे बालकनी की हालत बहुत ख़राब है। आई डोंट नो मैं इसको पेंट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कबूतरों ने बहुत कुछ किया हुआ है और मैंने कुछ साफ़ नहीं किया था जब से आई हूँ मैं। मैंने बालकनी बंद रखा हुआ है, सिर्फ ये नहीं था विंडो, ये लगाया है और कुछ काम नहीं किया है। सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन क्योंकि मैं सुबह से मैं नहाई नहीं थी, मैं पूरे दिन आज ब्रेक ले लेके काम कर रही थी। अगर आपको याद है, मैं दिखाती हूँ, अभी मैंने पूरी बालकनी ऑलमोस्ट खाली कर दी, सिर्फ एक कार्टन बच गया है, उसमें कपड़े हैं। तो और सारे उसको मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकती थी दूसरे बालकनी में, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टफ्ड हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बालकनी खाली होकर कैसे दिख रही है। अभी मुझे इसको प्ले एरिया में कन्वर्ट करना है, वो भी बाद में दिखाऊंगी मैं। तो याद हो ये पूरा एरिया कार्टन से भरा हुआ था, तो अभी ये पूरा खाली किया है मैंने। बस वहाँ पे वो शूरा बच गया है, ये सब खाली किया है और सिर्फ ये कार्टन बच गया है, क्योंकि इसमें कपड़े हैं, कपड़े नहीं खोल सकती मैं अभी क्योंकि वो धुलेंगे। इस एरिया के लिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे बैम्बू चिक डालूँगी, ताकि दिन में अगर धूप आए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और एक फ़ैन भी लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत है मेरे पास करने के लिए। देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। अब ये सब करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें अभी तक आई नहीं। मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया लेकिन बहुत कुछ आया नहीं है, और बहुत कुछ चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी है, तो मैं करती हूँ आज रात को। मोस्ट प्रॉब्ली मैं ऑर्डर कर दूँगी, और जो चीज़ें मुझे लोकल मार्केट से खरीदनी है मैं वो खरीद लूँगी, और फिर देखते हैं। शुरुआत कर दूँ, ये कारपेट है जो मैं यहाँ बिछाने, मैंने सोचा था हम ग्रीन ग्रास वाला जो कारपेट होता है ना, आर्टिफिशियल, वो यूज़ करेंगे। पर फिर मुझे आइडिया लगा कि उस पे निकू कार नहीं चला पाएगा, या कुछ उसको एक प्लेन सरफेस चाहिए होगा। तो मुझे ये कारपेट मिल गया, वो शाल में एक जैसा तीन, मुझे लगता है कि तीन इस पूरे एरिया को कवर कर सकता है, तो मैं वो अभी देखने वाली हूँ कि क्या होता है। दूसरा, ये सारे जो आप देख रहे हैं रोल्स, ये वॉल स्टिकर्स हैं जो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। वॉल स्टिकर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो इसमें कुछ ये अल्फाबेट के हैं, कुछ नंबर्स के हैं और कुछ ऐसे फन टाइप हैं बच्चों के कमरे के लिए। तो मैं वो पहली बार लगाने वाली हूँ वॉल पे, देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो बिल्कुल ही प्लेन है।
हल्का हो गया, एक्चुअली डार्क वॉल पे अच्छा लगता था, पर ठीक है। बोलो गुगु एबीसीडी का है।